इस साल सावन का महीना 14 जुलाई 2022 से शुरू हो रहा है। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने का इंतजार भोले बाबा के भक्तों को खास तौर से रहता है। माना जाता है कि सावन में भोलेनाथ को प्रसन्न कर उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। सावन में भगवान शिव की पूजा करना शुभ होता है। जो भक्त इस महीने में सोमवार का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। ऐसे में शास्त्रों में कुछ वस्तुओं का जिक्र है जिन्हें अगर आप सावन में घर ले आए तो भोलेनाथ की कृपा से भाग्योदय होता है। तो चलिए जानते हैं कि सावन में कौन कौन सी चीजें खरीदने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। भस्म। कहते हैं कि शिवजी की रमाई भस्म को घर में रखने से दरिद्रता कभी नहीं आती। इसे सावन के किसी भी सोमवार के दिन शिव मंदिर से ले आए और एक चांदी के डब्बे में रख दें। पूरे महीने उसे शिव पूजा में शामिल करें। इसके बाद तिजोरी या धन के साथ रख दें। ऐसा करने से बरकत बनी रहेगी। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष स्वयं शिव जी का पर्याय माना गया है। इसे सावन में शुभ मुहूर्त में घर लाने से व्यक्ति के तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। साथ ही सावन में रुद्राक्ष की माला धारण करने से समस्त बीमारियों का नाश होता है। घर में रुद्राक्ष रखने से सकारात्मकता आती है। डमरू। भोलेनाथ के साथ हमेशा नजर आने वाले डमरू के घर में होने से कभी अमंगल नहीं होता। डमरू की ध्वनि में इतनी शक्ति है जो घर के वातावरण को तनाव मुक्त बना देती है। सावन में शिव की स्तुति रोजाना घर डमरू बजाकर की जाए तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। त्रिशूल। त्रिशूल को तीन देव और तीनों लोगों का प्रतीक माना गया है। इसके घर में होने से आपदाओं का डर नहीं रहता। तांबे या चांदी का त्रिशूल घर में रखना शुभ माना गया है। शिव जी का त्रिशूल बुरी शक्तियों से घर और परिवार की रक्षा करता है। गंगा जल। सावन में कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए भक्त लंबी यात्रा कर कड़े नियमों का पालन करते हुए नदी से गंगा जल भरकर लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कहते हैं इससे महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर कामना को पूर्ण करते हैं। ऐसे में अगर आप सावन के पहले दिन या किसी भी सोमवार को गंगा जल घर लाकर किचन में रख दें, इससे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य में कभी कमी नहीं आएगी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।